एक मॉडल है एफ क्या है, एफ 221 मॉडल है, जो कि फुल शॉर्ट मोबाइल है। आज हम इसकी शॉर्टिंग निकालने वाले हैं, जो कि हमारे पास शॉर्ट किलर है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था शॉर्ट किलर कैसे यूज़ करना है क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट किलर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वाइट रोजन, जिसे बोलते हैं वाइट स्मोक या फिर रोजन बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। और मेरा मोबाइल जो है पूरा फुल शॉट है। अभी मैं इसको यहाँ पे टेस्टिंग करके बताऊंगा आपको फुल टेस्टिंग मेथड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सबसे पहले मैं मोबाइल को खोल लेता हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मोबाइल को हम खोल लेते हैं। बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं, क्योंकि कूल टेस्टिंग में हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे तीन टिप्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ग्राउंड मिल रहा है एक साइड, और दूसरे साइड मुझे प्लस, यानी यहाँ पे वी बेट पे भी अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे भी दोनों साइड आपको बीप दे रहा है। और जैसे इसका इसका BSI है, और BSI में यहाँ पे रीडिंग आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं BSI में 1600 के आसपास रीडिंग आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं लगाता हूँ, ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे वीबेट पे लगाता हूँ बैटरी कनेक्टर पे, तो यहाँ पे अब बीप बज रही है, मतलब ये मोबाइल फुल शॉट है। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में भी बीप बज रही है, तो ये मोबाइल हमारा फुल शॉट है। तो चलिए हम देखते हैं इसके पावर IC के आसपास और चार्जिंग IC के आसपास कहीं पे कुछ शॉर्टिंग थी, पावर IC में शॉर्टिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पावर IC के पास
पावर एसी के पास भी यहाँ पे रोजन लगा देता हूँ। तो अब ये जो पावर एसी है यहाँ भी हम व्हाइट स्मोक लगा देंगे, और यहाँ पे जो वीवेंट का हिस्सा है यहाँ पे भी, ये सारे सेक्शन पे भी हम व्हाइट स्मोक लगा के चेक करते हैं, उसके बाद शॉर्ट पिलर लगाएंगे और देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 1.8 वोल्टेज सेट कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर एम्पियर बहुत ज्यादा होता है, और हम जो देने वाले हैं यहाँ पे वी बैट की लाइन पे, यानी जहाँ पे 4.2 वोल्टेज आता है, लेकिन हम 1.8 देंगे क्योंकि यहाँ पे एम्पियर बहुत ज्यादा है इस शॉर्ट फिलर में। और यहाँ पे अगर मैं आपको ज्यादा वोल्टेज बताऊँ तो आपको शॉर्टिंग कहाँ होता है ये दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज जो है 1.8 करके रखा हूँ। और यहाँ पे देखिए इस हिस्से में देखिए, अब यहाँ पे हमको शॉर्टिंग मिल रही है, तो यहाँ पे मैं जल्दी देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे वीपेट पे टच किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर यहाँ पे पॉप अप हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर है पॉप अप हो गया। चलिए अब इसको बाहर निकालते हैं और निकाल के चेक करते हैं कि यहाँ पे ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है और मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है। तो जल्दी से मैं इसे बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर निकालने के लिए बदर दे रहा है, यानी ये मेरा जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर मेरा ये शॉर्ट हो गया है कैपेसिटर, जैसे कि आप देख सकते हैं। वापस से बताना चाहूँगा मैं एक बार देखिए, और चलिए इसको मैं यहाँ बाजू रख देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास बैटरी कनेक्टर वापस से चेक करते हैं जहाँ पे मुझे शॉर्टिंग आ रही थी। तो ये वाला हिस्सा जो मेरा ये इसका ग्राउंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर पे, मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा ऊपर, ये तो मेरा ग्राउंड है और ये इसकी बेस लाइन और ये इसकी ग्राउंड। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल रीडिंग आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 300 प्लस रीडिंग आ चुके हैं यहाँ पे। शॉर्ट क्लियर के बारे में जैसे आपको बताया था कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया है कि आप कैट मोबाइल को शॉर्ट क्लियर के थ्रू कैसे उसको बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 4.2 आपको डीसी में सेट कर लेना है, और रेड पे रेड प्रॉप और ब्लैक पे प्रॉप ब्लैक लगाना है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा इस साइड पे ग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पे लगा देता हूँ,
और इस साइड में मेरा प्लस वी बैट की सप्लाई, तो यहाँ पे मैंने प्लस को लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि शॉर्टिंग होती तो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मेरा मोबाइल ऑन हो गया है, यहाँ पे हमारी ये शॉर्टिंग थी वो जा चुकी है और शॉर्ट कैप्चर हमने यहीं पे रखा है, आपको दिखाया है अभी। देखते हैं पूरा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है, अगर ऑन नहीं होता है तो इसको हम फ्लैश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा लोगो आ चुका है, जियो का सेकंड लोगो जैसे कि देख सकते हैं, और ये मोबाइल अभी ऑन हो रहा है। तो देखते हैं कि पूरा ऑन होता है कि नहीं, लोगो पे रुक जाता है, क्योंकि जियो के काफ़ी सारे मॉडल लोगो पे अगर रुक जाते हैं, इसमें फ्लैशिंग भी करनी पड़ती है, या पावर एसी या एमएमसी से भी दिक्कत होती है, प्रोग्रामिंग से भी दिक्कत होती है। ये आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ से प्रॉपर ये डेड हुआ है, पावर एसी से डेड हुआ है या शॉर्टिंग है या एमएमसी से, या तो सॉफ्टवेयर इश्यू है, ये आपको प्रॉपर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मोबाइल मेरा प्रॉपर पूरी तरह से ऑन हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ये सारी चीज़ सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए एशिया टेलीकॉम, नीचे स्क्रीन पे नंबर ब्लिंक हो रहा है, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।